हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबीएस क्लासेस पावर्ड बाय शर्मा जी एजुकेशन। सो एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज क्लास 12 फिजिक्स की ये जो सीरीज स्टार्ट हुई है, इसमें हम क्वेश्चन वाइज हर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 का। इसका स्टेटमेंट है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर हैविंग चार्जेस ऑफ 2×10⁻¹ कूलम्ब एंड 3×10⁻¹ कूलम्ब प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। सो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक चार्ज है, दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं एक दूसरे से, इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन चेक करते हैं इसका, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इसमें हम एक लॉ का यूज़ करेंगे जो कि आपने इस चैप्टर में ज़रूर पढ़ा होगा। उस लॉ का नाम है कूलम्स लॉ। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे यूजिंग कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का यूज अगर हम करते हैं तो क्या मिलता है, तो कूलम्स लॉ होता है एफ इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r². यहाँ पे फोर्स निकालना है, फाइंड करना है, तो एफ को ऐसे ही रहने देंगे एंड 1/4πε0 किसके इक्वल होता है 9×10⁻¹ एंड Q1 2×10⁻¹ एंड Q2 3×10⁻¹। डिस्टेंस क्या है 30 सेंटीमीटर, तो इसको लिख सकते हैं 30×10⁻²² का पूरे स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि सेंटीमीटर में था तो इसको हमें किसमें लिखना है, SI यूनिट में लिखना है, तो वो MKS में सारी वैल्यूज तो हमें MKS में ही लेनी पड़ेंगी और 30×10⁻², ये मीटर में हो गया। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 9×10⁻¹ एंड -7 एंड -7 मीन्स, तो इसको लिखा जा सकता है 9×2×3 कितना हो गया 6 एंड 10⁻¹-7 कितना हो गया -14 एंड -14+9 कितना हो गया -5 डिवाइडेड बाई, इसको लिख सकते हैं 3×10⁻¹ का होल स्क्वायर, यानी कि 3×10⁻¹ का होल स्क्वायर ऐसे एज इट इज ऐसे लिख देंगे, ये एफ की वैल्यू होगी। इसको हम आगे और सॉल्व करते हैं तो एफ इज इक्वल टू कितना मिलेगा 9×6×10⁻¹ डिवाइडेड बाई 9×10⁻², राइट, 9 से 9 हो गया कैंसिल, तो एफ इज इक्वल टू कितना हो गया 6×10⁻¹+2 यानी कि एफ इज इक्वल टू 6×10⁻³, राइट। तो ये एफ की वैल्यू आ गई और ये न्यूटन में है। ठीक है, न्यूटन में होगी, क्यों, क्योंकि फोर्स की जो SI यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6×10⁻³ न्यूटन। होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन, एंड अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है मन में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही और वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलते रहेंगे यहाँ पे केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, जैसा कि आपको इंटरव्यू वीडियो में पता चल ही गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के सॉल्यूशन के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।